कंपोनेंट्स चल रहा है। कंपोनेंट्स में हमने क्या कर दिया, रिसीट्स। रिसीट्स दो टाइप की थी, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अलावा रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में था टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसीट्स में डिस इन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स। अब खर्चा भी कर लें थोड़ा सा, पैसे तो बहुत बटोर लिया। बजट एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर अगेन डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बड़ी शरीफ टर्म्स हैं, इसमें उतनी डिटेलिंग नहीं है, क्योंकि पैसा कलेक्ट करना ज्यादा जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। खर्चा तो हो ही जाएगा, खर्चा करना कहाँ कभी मुश्किल होता है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा करा, खर्चा करने की वजह से ना तो कोई एसेट क्रिएट हुआ ना कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई। ध्यान से देखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट, पैसा खर्च करने की वजह से ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। गवर्नमेंट ने अपने लोन्स रीपे करे, पैसा तो गया बट लाइबिलिटी कम हुई, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू नहीं। गवर्नमेंट ने बिल्डिंग्स बनाई, स्कूल्स बनाए, खर्चा तो हुआ बट एसेट्स क्रिएट हुए हैं, एसेट्स क्रिएट हुए हैं। सर ये एसेट्स क्या होते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाए। इम्प्रूवमेंट पे जो खर्चा हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस पे जो खर्चा हो रहा है मेंटेनेंस वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर, यस और नो? तो एनी एक्सपेंडिचर व्हिच इधर क्रिएट्स एन एसेट और रिड्यूसेस अ लाइबिलिटी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर व्हिच नीदर क्रिएट्स एन एसेट नॉर रिड्यूसेस अ लाइबिलिटी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक एक करके बात करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर व्हिच नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर लीड्स टू डिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज रेकरिंग इन नेचर, इट इज इनकर्ड ऑन नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्रोविजन ऑफ वेरियस सर्विसेस, सैलरीज पेमेंट, पेंशन की पेमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, डिफेंस, पुलिस स्टेशन, डिफेंस पे जो भी खर्चा हो रहा है, हेल्थ सर्विसेज, ग्रांट्स टू द स्टेट, वो लोन नहीं है ग्रांट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डोनेशन दे रही है, ग्रांट्स दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्या एग्जाम्पल होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, सब्सिडीज भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है गवर्नमेंट के लिए। एक तरह से वो कैश बेनिफिट्स ही हैं, कैश ग्रांट्स ही हैं सब्सिडीज भी, कैश और नॉन कैश। एन एक्सपेंडिचर इज ऑफ रेवेन्यू नेचर इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशन, दोनों कि ना तो कोई एसेट क्रिएट हुआ ना तो कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई। बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ और नहीं कर रहा। इट मस्ट बी नोटेड दैट यूनियन ग्रांट्स टू द स्टेट्स आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इवन दो सम ऑफ द ग्रांट्स मे बी यूज फॉर क्रिएशन ऑफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दी कि स्टेट गवर्नमेंट इससे स्कूल बना ले, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो स्टेट का होगा, एसेट जो क्रिएट भी होगा वो स्टेट का होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो बना रही है, जो वो खुद ओन करेगी, वो उनके एसेट्स हैं। फॉरेन गवर्नमेंट ने हमें डोनेशन दी कि चलो इससे आप अपना काम कर लो, अब अगर मैं उससे एसेट क्रिएट कर रहा हूँ तो फिर ऐसे थोड़ी ना, उनके लिए जो दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दी कि इससे अपने कॉलेज की एक बिल्डिंग और एक फ्लोर और बना लो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी तो उनके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो उसके बाद चाहे उसका जो मर्जी करें। क्लियर, क्लियर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर व्हिच ईदर क्रिएट्स एन एसेट और रिड्यूसेस अ लायबिलिटी, नॉन रिकरिंग इन नेचर, इट एड्स टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इट विल एड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी थ्रू एक्सपेंडिचर। मेट्रो का फ्लाईओवर बनाया या मेट्रो का ट्रैक बनाया या हाईवेज बनाए, तो ये सब ना, मेट्रो का स्टेशन यहाँ पे बन रहा है तो
इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रोड बन रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर वर्क हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस है। कुछ नया बन रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, अलग चीज। मेंटेनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लोन दिए, लोन दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिए तो क्रिएशन ऑफ एन एसेट है ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? जो लोन ले रखे थे वो रीपे करे, रिडक्शन इन लाइबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इधर क्रिएट्स एन एसेट और रिड्यूसेस अ लाइबिलिटी। एग्जांपल आपको बता ही चुके हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग्स, सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन लोन देना, पेंशन की पेमेंट करना, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। नीदर क्रिएट्स एन एसेट नॉर रिड्यूसेस अ लायबिलिटी। क्लियर है मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर? इतना सा ही है, शरीफ सा है, ध्यान से, बी केयरफुल।